हेलो फ्रेंड, मैं सुशीला आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुशीला टेरिस गार्डन में। फ्रेंड, अब बरसात ख़त्म हो गई है और हमें अपने प्लांटों पे कुछ काम करना चाहिए। तो फ्रेंड, क्या काम करना चाहिए हमें बरसात ख़त्म होने के बाद अपने प्लांटों पे? चलिए फ्रेंड, हम आपको बताते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर खिल रखे हैं। देखिए चंपा के, ये देखिए फ्रेंड, ये मेरे आलमंडा के फ्लावर खिल रखे हैं। देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ हैं और ये देखिए बर्ड्स बन रही हैं। ये देखिए नई नई बर्ड्स बन रही हैं। तो फ्रेंड, अब इसका जो है खिलने का समय आ गया है। तो ये देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे अच्छे फ्लावर खिल रखे हैं। तो फ्रेंड, हम ये जो है, ये देखिए फ्रेंड, बरसात जैसे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, तो उसके बाद जो है फ्रेंड क्या हुआ कि ये देखिए फंगस की शिकायत हो जाती है प्लांटों में। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा जो है ये प्लांट था, ये देखिए ये फंगस लग गया है इसके लिए। देखिए पूरा पूरा जो है ये गुलमोहंदी गुलमेहंदी का प्लांट था और ये देखिए फंगस लग गया है। तो फ्रेंड, अगर आपके प्लांटों में भी ऐसी फंगस लग गया है, ये ओवर वाटरिंग के कारण से हो जाता है फ्रेंड, क्योंकि बरसात लगातार होती रहती है और ओवर वाटरिंग हो जाती है, जिससे कि हमारे जो है प्लांटों में फंगस की शिकायत हो जाती है। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें क्या करना है कि हम जो है अपने प्लांटों में जो है हमें फंगीसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए और जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए और जो है हल्दी, दालचीनी, ये सब। ये देखिए इस प्लांट में मेरे 2 प्लांट लगे थे और दोनों जो है फंगस के शिकार हो गए। तो फ्रेंड, आज मैं जो है इनको जो है सबसे पहले तो इनको अपने प्लांट से हटा देना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड, इधर से लगा है। ये देखिए, ये मेरा जो है उसका प्लांट है, इसमें जो है ये गड़ानिया का प्लांट है और इसी में जो है ये देखिए, और कुछ कीड़े भी फ्रेंड, कीड़े भी हो जाते हैं। ये देखिए कैसे पत्ते खा रखे हैं। तो इसलिए फ्रेंड हमें जो है नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए अपने प्लांटों में। तो फ्रेंड, आज मैं जो है वही करने जा रही हूँ अपने प्लांटों पर, कुछ स्प्रे करूँगी। ये देखिए कैसे पत्ते ख़राब हो रहे हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड, काफ़ी समय से हमने स्प्रे किया भी नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, मैं नीम ऑयल में क्या क्या मिलाती हूँ जिससे कि मैं अपने प्लांटों पर स्प्रे करूँगी। तो फ्रेंड, कीड़े उड़े लग रही है, देखिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हम जो है बनाते हैं स्प्रे। तो फ्रेंड, अब हम जो है सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास नीम ऑयल है और ये जो है मैं नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी। तो मैं नीम ऑयल, ये मैं नीम ऑयल है। तो फ्रेंड, हमको जो है इसमें से 5 ml नीम ऑयल लेना है और ये देखिए फ्रेंड, हम इसमें से जो है ये नीम ऑयल है और ये मेरी स्प्रे की बोतल है फ्रेंड ये। तो ये देखिए फ्रेंड, ये 2 लीटर की बोतल है और ये मेरे पास नीम ऑयल है। तो फ्रेंड, हम क्या करेंगे कि इसमें से 5 ml, ये ढक्कन है इसमें 5 ml का, तो इस ढक्कन में जो है नीम ऑयल का इसका निकालेंगे नीम ऑयल। तो ये देखिए फ्रेंड, ये नीम ऑयल है। ये देखिए फ्रेंड, ये जो है ये नीम ऑयल है, ये 5 ml है। ये देखिए ऐसा होता है नीम ऑयल, इसको हम जो है इस 2 लीटर की डिब्बे बोतल में डाल देंगे। ये 2 लीटर की बोतल है और ये देखिए। और फ्रेंड, हम इसमें और क्या मिलाएंगे? ये देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास शैम्पू है, ये सनसिल्क का शैम्पू है। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं, मैं सनसिल्क वाला ले रही हूँ। और इसमें से जो है 2-4 बूंद इसकी भी डाल दीजिए इसमें। तो ये देखिए, बस इतना सा शैम्पू जो है इसमें मिला दीजिए और फिर जो है अपने प्लांटों पे, फिर इसमें जो है पानी जो है, देखिए फिर अब हम इसमें जो है पानी भरने जा रहे हैं। ये फ्रेंड, ये जो है ना, ये ऑयल जो है ना, ये वो एकदम वैसा होता है, लिक्विड में जो है ये घुलता नहीं है, इसलिए जो है हम इसमें जो है शैम्पू मिला रहे हैं ताकि ये जो है अच्छे से घुल जाए। तो फ्रेंड, ये देखिए हम इसमें जो है 2 लीटर पानी मिला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसमें जो है इतना पानी मिला दिया यहाँ तक, और अब हम जो है इतना खुल रहने देंगे ताकि इसमें गैस बनने के लिए। तो ये
देखिए ये मैंने जो है इसमें ढक्कन लगा दिया है। इसको अच्छे से हम जो है वो कर देंगे ऐसे कैसे करते, ताकि जो है नीम ऑयल और शैम्पू, हमने शैम्पू डाला था वो अच्छे से मिल जाए। और हम इसे पलटिंग करेंगे, और फिर हमारे जितने भी प्लांट हैं हम सभी में जो है स्प्रे कर देंगे। तो ये देखिए ऐसे करके जो है देखिए ऐसे स्प्रे कर देंगे। ये भी अच्छे से कर देंगे हम इस पर इस तरह से अपने सभी प्लांटों पे, ताकि हमारे प्लांटों पे जो है कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो जो है हट जाए। ये देखिए फ्रेंड ये इसमें बर्ड्स बन रही है, फूल खिल गया था, बर्ड्स बन रहे हैं। हाँ बेटा पाम है देखिए फुलसा उलसा। तो सब में आप सारे प्लांटों में स्प्रे कर सकते हैं फ्रेंड, जितने भी आपके प्लांट हैं आप सभी प्लांटों में नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि फंगस उंगस ना लगे। और मिट्टी में फ्रेंड आप जो है हल्दी वल्दी मिला दीजिए। ये देखिए इसमें कीड़ा था, तो इस तरह से इस तरह से फ्रेंड हम अपने सारे प्लांटों पर कर देंगे स्प्रे। ये देखिए जितने भी प्लांट हमारे सारे प्लांटों में हम जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे, जिससे कि हमारे जो है प्लांट पे जो भी कीड़े मकोड़े लगे होंगे सारे के सारे जो है हट जाएंगे। तो फ्रेंड ये प्रक्रिया हमको जो है हफ्ते में 2-3 बार करनी है, क्योंकि एक बार करने से नहीं साफ होते हैं। हमें कम से कम हफ्ते में 2-3 बार करना चाहिए, हर दो तीन दिन बाद जो है ये प्रक्रिया करेंगे तो हमारे प्लांट पे जो भी मिली बग वगैरह जो भी लगे हैं तो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। और जैसे ये पत्ते कर्ड हो रखे हैं, ये फंगस और उसके कारण हो जाते हैं, कीड़े उड़े लग जाते हैं। ये देखिए इसमें मिली बग लग रखी है इधर, तो अगर हम इस पर स्प्रे करेंगे तो ये जो है इधर मिली बग लग रखी है। ये देखिए ये फ्लावर खिल रहे हैं गुड़हल पे अच्छे अच्छे से, और ये देखिए कलियाँ बन रही हैं। तो फ्रेंड मिली बाग वगैरह सारी जितने भी वो हैं कीड़े उड़े हैं नीम ऑयल के स्प्रे करने से जो है भाग जाते हैं, मर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और गार्डनिंग करते रहें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फ्रेंड।